हेलो एवरी दिस डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी प्रश्न इससे पूछे गए हैं इन फ्यूचर तो आज हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं जानने वाले हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पिछले 16- 17 साल में 12 uh, से 13 साल में इससे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इनको हम जांच जानकारी हासिल करेंगे राइट right? सो so, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो रेड कलर वाला बटन है इसे दबा दीजिए और इसको ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा इस टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा आपको पता है टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे हम लोग नोट्स भी शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स भी शेयर कर रहे हैं है ना शॉर्ट नोट्स जो एन पे बिल्कुल बेस्ड है ऐसे नहीं कि फालतू फालतू का चीज उसमें लिखा हुआ है आप बहुत ही जल्दी चीजों को इन्हांस कर सकते हैं बहुत ही जल्दी चीजों को समझ सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हर जगह आपको टेलीग्राम मिल जाएगा आपको राइट ए वाला सेशन हम लोग अन एकेडमी पे लेते हैं जो काफी कमाल का है विच इज कॉल वन शॉर्ट रिविजन सीरीज जो डेली सुबह नौ बजे रहता है और शाम को आठ बजे हम इसके जो भी हम पढ़ते हैं वो शाम को आठ बजे एन एक्सट्रैक्टेड चैप्टर वाइज करते हैं तो इन दोनों सेशन फ्री में है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गूगल प्ले स्टोर से आ, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे गोल में नीट यूजी सेलेक्ट करके इनवाइट को डॉक्टर एस के सिंह लगा दीजिएगा आप आराम से इस क्लास का हिस्सा बन पाएंगे और अपने बायो को बहुत ही बेहतर फ्री में भी सही कर पाएंगे आज का सेशन रहेगा एनिमल किंगडम का जो काफी कमाल का है और जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं इंडिया के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो रही है तो मुझे लगता है कि बारिश वाला एक इन्वायरमेंट यहाँ पे भी क्रिएट किया जाए ताकि मजा आ जाए अच्छा एनिमल किंगडम 2006 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेंगे आपको एक जस्ट मार्कर लेना है एनसीईआरटी की बुक ओपन करनी है और बस मार्क uh, करना है जब भी आप एनिमल किंगडम पढ़ने बैठे हैं तो सबसे पहले जो आज आप मार्क करेंगे उसको सबसे पहले रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे आइए पहला क्वेश्चन 2019 से लिया गया है पेज नंबर 50 इक्यावन और तिरपन के ऊपर मिल जाएगा पाइला इज मोलस्का पाइला मोलस्का के अंतर्गत आते हैं एंड द माउथ कंटेन अ पाइल लाइक रास्विंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल रैनुला तो मलुस्का के अंदर माउथ के अंदर रैनुला होता है रैसपिंग ऑर्गन होता है जिसे अपने कंटेंट को पकड़ने में मदद करता है बॉम्बक्स इज एन ऑर्थोपोर्ट बॉम्बक्स एक ऑर्थोपोड है बॉम्बक्स एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द मालफ्यूजियन ट्यूब्यूस ऑब्वियसली बात है कि जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं उनका एक्सक्रीशन मालफ्यूजियन ट्यूब्यूल से होता है एक्सक्रीशन मालफ्यूजन ट्यूब्यूल से होता है प्लूरोब्रेंकिया इज अ टीनोफोर्स प्लूरोब्रेंकिया इज अ टीनोफोर्स इज सेल्ड फ्लेम सेल्स विच हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एस्क्रेशन तो इसपे दिख रहे हैं कितने सारे इंफॉर्मेशन आपको शेयर किए जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है दिटरी ऑर्गन राइट स्क्रेटरी ऑर्गन के हमारे जितने भी ऑर्थोपोर्ट्स हैं ऑर्थोपोर्ट्स हैं उसके स्क्रिटी ऑर्गन मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स हैं ठीक है फिर उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस में फ्लेम सेल्स हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लीजिएगा फिर से नीट 2019 पेज नंबर 46 48 पे है चैप्टर नंबर फोर द ट्रू सेगमेंटेशन आप देखेंगे तो सेगमेंटेशन जो होती है बॉडी की एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो सकती है डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म तो ट्रू सेगमेंटेशन को कोई बता सकता है मैसेज करके कि ट्रू सेगमेंटेशन का दूसरा नाम क्या होता है एनी वन यस एनी वन ईशा चौधरी मोहम्मद जबीर अंशिका रूबी सलाम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उर्मी बताइए ट्रू सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटा मेटा मेरिक टेशन मेटामे ऑल्सोजन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोलेट्रल सिट्री एंड दे आर ट्रूसिलोम ट्रूसिलोम का मतलब क्या होता है कि द मीजोडम की जो लाइनिंग होती है वो बिल्कुल क्लोज होती है और उसके अंदर सिलोम भरा रहता है नीट uh, टू 2018 पेज नंबर फिफ्टी टू द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन एनलिट्स डायरेक्ट का मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट देखो इनडायरेक्ट का मतलब होता है अगर जहां पे भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो तो उसका डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होगा उसका डेवलपमेंट पहले उसके अंदर लार्वा आएंगे फिर उसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे बट यहां पे डायरेक्ट हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है सो देयर इज अ नो लार्वा लार्वा स्टेज स्टेज इन अर्थ अर्थ में कोई भी लार्वा नहीं होता है पेज नंबर फिफ्टी एट में आ जाइए नीट दो हजार अठारह में आया हुआ क्वेश्चन है आर पॉक्लियोथर्मिक मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट जिस वक्त अभी जहां पर टेम्परेचर जो होगा वही उनके बॉडी का टेम्परेचर होगा वही उनके बॉडी का टेम्परेचर होगा एग्जाम्पल क्लियोन राइट पीडीएफ टेलीग्राम पर ज्योति तिवारी शेयर होता है नोट्स भी टेलीग्राम पर हम शेयर करते हैं तो आप टेलीग्राम से बिल्कुल ज्वाइन हो जाइएगा पेज नंबर 58 एट ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह मिल जाएगा पेज नंबर 58 नीट टू बर्ड्स शॉलो फूड एंड स्टोर इन देर क्रोप जैसे हमारे अंदर स्टमक होता है ना तो बर्ड्स के अंदर ऐसे क्रूप होता है क्रोप क्रूप जो भी है और वहां पर वो स्टोर करता है तो हमारे अंदर स्टमक उनके अंदर क्रोप होता है फूड इज पास थ्रू द स्टमक एंड देन इन टू दिजाट गिजाट फिर इसके बाद इनके गिजाट आता है गिजाट का मतलब होता है जैसे जी से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे ही याद कर सकते हैं जी फोर ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग में मदद करेगा तो अगर कोई छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल से खाएंगे तो उनको ग्राइंड करने में मदद होगा विच कैन बी प्रीवियसली सॉलो द स्टोन है ना तो ये सारा चीज है फटाफट से उनको लाइक कर दीजिए बेटा आप देख सकते हैं कितना एफर्ट है हर एक ईयर को हर एक चैप्टर को हर एक पेज को कनेक्ट किया गया है तो एक तो लाइक बनता ही है पेज नंबर 49, नीट 2017 हजार सत्रह नीट दो हजार सत्रह और इस क्लास को शेयर करते रहिए जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप स्टेटस है इसको लगा के रखिए ताकि सबको फायदा मिले है ना इससे कंपटीशन बढ़ेगा नहीं शुद्ध और प्योर होगा तो नीट 2017, पेज नंबर 49, नाइन द एस्पों द बॉडी कैविटी एंड कैनाल आर लाइन विद द क्वाइनोसाइड स्कॉलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में क्वाइनोसाइट होते हैं ठीक है और सेल में क्वाइनोसाइट्स होते हैं दे आर कॉलर हैंजोसेजोसिल का फीचर है का फीचर है नीट 2017 पेज नंबर 60 शार्क एंड ट्राइगोन ट्राइगोन को हम स्टिंग रेज कहते हैं आप सबको पता ही होगा ट्राइगोन को स्टिंग रेज कहते हैं दे आर मेंबर्स ऑफ में कॉन्टेक्स व्हिच इज कॉल्ड कार्टेजिनियस फिश वाइल द वेल डॉल्फिन एंड सील आर इक्वेटिक मैमल्स बिलोंग टू क्लास मेमेलिया ऐसा जरूरी नहीं है जो पानी में जो रहते हैं वो सारे फिश ही हो जाएंगे डॉल्फिन सील इक्वेटिक मैमल्स बिलोंग टू मैमल्स है ना इवन वेल इज बिलोंग टू द मैमल्स राइट नेक्स्ट पेज नंबर इसका कुछ नहीं है 2017 में क्वेश्चन आया है हॉर्स बिलोंग टू दॉर्स बिलोंग टू द ऑर्डर यस पेरी पेरिसीडोक्टा फैमिली एक्क्वेडी जीनस एक्वास स्पीशीज ईफेरस इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है आया हुआ है ठीक है जी आया हुआ है नेक्स्ट करते हैं चैप्टर कराओगे मेघना नायर चैप्टर होता है अनअकैडमी के ऊपर सुबह नौ बजे और शाम को आठ बजे अनअकैडमी पर जी फ्री में हो जाएगा चैप्टर पेज नंबर 54 55 नीट 2017

सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप जब भी क्लोज टाइप का सर्कुलेशन हो तो इसका मतलब है, हार्ट से ब्लड वेसल जा रहा है और ये ब्लड वेसल किसी ऑर्गन में ऑर्गन में घुसा फिर ऑर्गन से निकल के फिर से हार्ट में ड्रेन हो गया तो ये ऑर्गन क्या करेगा इस ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन सब्सटेंस है ऑक्सीजन वगैरह है वो कैप्चर कर लेगा राइट सो दैट्स कॉल्ड क्लोज टाइप तो सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर द लेटर और आफ्टर द लेइंग द एग कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी फिर लार्वा वहीं पे बनता है मेटामोर्फोसिस होगा और फिर से वो समुद्र में चला जाएगा समझ पा रहे हैं आप कि एक मच ये है साइक्लोस्टोम्स जो होती हैं. ये सबसे पहले फ्रेश वॉटर में जाती है मरीन ऑर्गेनिज्म है फ्रेश वॉटर में जाती है किस लिए अंडा को देने के लिए अंडा देने के बाद फिर से वो समुद्र में आती है और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है बट इसके छोटे बच्चे लार्वा होते हैं उनमें कुछ प्रोसेस होता है मेटा यानी लार्वा जब एडल्ट में बनता है तब उसको रियलाइज होता है ओ हम तो फ्रेश वाटर में क्यों हैं हम तो मरीन वाटर में हमें होने चाहिए तो सीधा वो मरीन वाटर में बच्चे इनके आ जाते हैं नीट 2017 पेज नंबर 54 मार्क करिए जरा एक एंड देर लार्वाइलेक्ट्रिक सिमिट्रीनोडर एडल्ट में कैसे होते हैं रेडियो सिमिट्री होता है नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो Echinodermata, Echinodermata जो होते है वो रेडियो सिमिट्री होता है और उनके लार्वा जो होते हैं उनमें सिमिट्री पाया जाता है राइट नेक्स्ट दो हजार सत्रह पेज नंबर फिफ्टी थ्री प्रॉन्सेंटीपीड्स एंड ग्रास ओपर है दो हजार सोलह पेज नंबर एट फिफ्टी नाइन में मिल जाएगा फिर से साइक्लोस्टोमिंग एंड सर्कुलर माउथ विदउट जॉ दर बॉडी डिवॉइडेड द स्केल एंड प्योर फिंस ऑल रेपाइल हैज्री चैम्बर हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सब में थ्री चैम्बर हार्ट होता है दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल बट क्रोकोडाइल में चार होते हैं एक्सेप्शन है ऑल मेमल आर वीवी पेरस एक्सेप्ट प्लेटी ऑल मेमल आर वीवी पेरस एक्सेप्ट प्लीटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हर एक लाइन आपको आना ही चाहिए हर एक लाइन आपको आना ही चाहिए नीट 2016 पेज नंबर 59 पेज नंबर बर्ड्स आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मैम आर वीवी पेयर एक्सेप्ट ओवीपेरसोर इंथोपस राइटोपस नेक्स्ट नीट दो हजार सोलह पेज नंबर फिफ्टी सिक्स या फिफ्टी सिक्स पे मिल जाएगा कॉन्ट्रेक्ट थार मरीन एनिमल विद इन द स्ट्रीम लाइन बॉडी उनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रीम लाइन होती है एंड हैव अ कार्टोलोजीनियसो एंडोस्केलेटल सोलह चैप्टर नंबर फोर चैप्टर फोर प्लीज नहीं मिलेगा नेशनल इक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया इज रिवर डॉल्फिन ये क्वेश्चन है वैसे तो जनरल नॉलेज है नेशनल जो इक्वेटिक एनिमल्स है इंडिया का वो रिवर डॉल्फिन है और इसका साइंटिफिक नेम है दे आर एक्सक्लूसिव फाउंड इन फ्रेश वॉटर और ब्लैकिश वॉटर में पाए जाते हैं पाए जाते हैं ठीक है जी नेक्स्ट नीट दो हजार सोलह पेज नंबर फिफ्टी टू और फिफ्टी थ्री में आ सकता है आया हुआ है फाइलम ऑर्थोपोडा हैज ऑल द गिवन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट ऑर्थोपोडा के कैरेक्टर तो आपको पता ही है क्या नहीं होता वो देखिए पैरापोडिया पैरापोडिया नैरिस Annelida possesses the lateral appendages, parapodia, which is help in swimming, which is help in swimming, which is help in swimming. Okay. Page number, uh, page number इसका नहीं है 2015 में क्वेश्चन आया है. Most distinct characteristics orthopoda is their exoskeletal. सबसे एक डिस्टिंग फीचर है एक्सोस्केलेटल है.

मिल जाता है 2015 पेज नंबर 60 पेज नंबर 60 और इन थो और इन थो राइनस प्लेटिपस इज अबी पेरस मैमल्स दो बार क्वेश्चन आ चुका है दो बार क्वेश्चन आ चुका है यस yes. 2015 पेज नंबर 56 पेज नंबर 56 सिक्स निकालिए साइक्लोस्टोमेटा हैज अ सकलिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ देर बॉडी इज डिवाइडेड द स्केल एंड पेयर फिंस दो बार से अधिक क्वेश्चन आ चुका है

तीन बार से क्वेश्चन आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नोट्स 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 प्लीज सेंड टेलीग्राम लकी जी बीस तीस बार और लिख देंगे तो ऐसे थोड़े ना कि अपने आप आ जाएगा लिखने से आ गया चलो नोट्स लिखने से आ गया ऐसा नहीं होगा तो जो अभी पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए है ना बार बार इसे चला के देखिए नोट डाउन करिए है ना ये बहुत ही अद्भुत चीज है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं ठीक है ये बहुत ही अद्भुत चीज है पेज नंबर 50 पे दो सम विच निडेरियजिस्ट इन बोथ फॉर्म ऑफ बॉडी नेमली द पॉलिप एंड मेडुसा मेडुसा विच एग्जिबिट द अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ मेटाजेनेसिस पॉलिप कन्वर्टेन टू द मेडुसा एंड मेडुसा कन्वर्टेन टू द पॉलिप सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपिकेशन पेज नंबर फिफ्टी वन दो हजार चौदह प्लेन एरिया हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी काफी होती है नीट दो हजार चौदह पेज नंबर टीनोफोरा एंड सिफेलोकोडेटा आर एक्सक्लूसिवली मरीन। आपको पता होना चाहिए कि कौन से बहुत एक्सक्लूसिवली मरीन है सिर्फ मरीन ऑर्गेनिज्म ही होते हैं मतलब समुद्र में पाए जाते हैं नीट दो हजार चौदह पेज नंबर फिफ्टी सेवन टॉर्पीडो हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट तो उनके आस कोई भी एनिमल जाएगा तो करंट प्रोड्यूस करेंगे और करंट प्रोड्यूस करने से वो मर जाते हैं टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 53 नीट 2013 सिल्वर फिश बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थोपोड्स। सिल्वर फिश बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थोपोड्स। पेज नंबर 58, 56, 49 टेरो टेर इज एक्टो एंड बिलोंग टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा नीट दो 2013 पेज नंबर 53 थ्री हाउस फ्लाई बटरफ्लाई टाइसाई फ्लाई सिल्वर फिश बिलोंग टू द फाइल ऑर्थोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा आना चाहिए रटा होना चाहिए नीट 2013 पेज नंबर 53 चैप्टर नंबर फोर प्रॉन स्कॉर्पियोन लॉकटूलोसा बिलोंग टू द सेम फाइलम ऑर्थोपोडा सेम फाइलम ऑर्थोपोडा नेक्स्ट नीट दो हजार बारह पेज नंबर फिफ्टी सेवन ऑल बोनी फिशेज हैजोर पेयर ऑफ गिल्स एंड ऑपरकुलच स्लाइड्स ऑपरकुलच स्लाइड्स नेक्स्ट नीट दो हजार बारह के बारे में बात करें तो पेज नंबर फिफ्टी सेवन बोथ आर फिशेस एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ठीक है टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको आज दे देंगे नेक्स्ट पेज नंबर फिफ्टी फिफ्टी वन एंड फिफ्टी थ्री एक्टोकार्पस इज एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का एंड डी और स्कॉर्पियोन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपोडा दे आर ट्रू सिलोम इसे हम ट्रू सिलोम कहते हैं दे आर ट्रू सिलोम इसे हम ट्रू सिलोम कहते हैं पेज नंबर फिफ्टी फाइव पे आ जाइए बेटा फिफ्टी फाइव Fifty-five. Need two thousand eleven. The notochord is replaced by the cartilaginous or bony vertebra column in the adult human. Notochord are present in embryonic period of human being. Embryonic period of human being. Next. Need two thousand eleven. Page number 50, uh, fifty-seven. Male shark is claspers born on the pelvic fins. बस एक छोटा छोटा चीज़ है अच्छा एक चीज बताओ कि क्लास आपको मतलब कैसी लग रही है मतलब एक डिफरेंट तरीके से है मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के सेशन यूट्यूब पे होते होंगे मुझे लगता है कि इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज से किया जाए क्योंकि अगर आपको पिछले 12 साल 15 साल का एक्सप्लेनेशन अगर आता है तो काफी मार्क्स को इनहांस कर सकते हो अगर आप कहेंगे तो इसको कंटिन्यू रखेंगे नहीं तो बंद करेंगे और जो YouTube पे लोग करते हैं वही करना हम भी शुरू कर देते हैं है ना तो आप प्रतिक्रिया दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में फिर उस प्रतिक्रिया को मैं देखूंगा 56 पेज नंबर विदाउट एक्सेप्शन विदाउट एक्सेप्शन विदाउट आउट एक्सेप्शन राइट विदाउट आउट एक्सेप्शन राइट बहुत अच्छा तो तुम लोग शेयर नहीं करते हो है ना मनोबल टूट जाता है सौ डेढ़ सौ बच्चों बच्चे आते हैं बस है? थोड़ा मनोबल बढ़ाओ यार ये तो आपके हाथ में है ना मुझे लगता है कि अगर बच्चे ना आए तो मुझे लगता है कि आ, ये सेशन अच्छा नहीं जा रहा है ना बच्चे आएंगे तभी तो मुझे लगता है कि हाँ ये सेशन बहुत अच्छा जा रहा है है ना कमाल का सेशन है हर कोई आ रहा है इतने सारे लोग आ रहे हैं इसका मतलब है कि काफी अच्छा सेशन है अब बच्चे ना आए तो पता चलता है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है मुझे और इंप्रूव करने की जरूरत है तो शेयर करो यार थोड़ा और एक वीक इंतजार करते हैं 2011 पेज नंबर uh, 57 और बिलोंग टू द फाइलम सिलेंडरेटा इन सिलेंडरेटा इन विच द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऑरिल के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना ऑरिलिया के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है तो इंडिया के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है एसकेरिस बिलोंग टू वीवी पेरस राइट। वीवी पेरस होते हैं राइट right? नेक्स्ट 2010 58 पेज नंबर पे क्रोकोडाइल एंड अ गिल गिल्स एट एट एम्ब्रोनिक स्टेज राइट नेक्स्ट 2010 53 पेज नंबर पे मोलस्का एंड इंसेक्ट्स आर सिलोमीट फ्लैट वॉर्म एंड ए सिलोमीट वाइल द राउंड वॉर्म आर सीडो सिलोमेट राउंड वॉर्म हमेशा सीडो सिलोमेट होते हैं राउंड हमेशा सीडो सिलोमेट होते हैं 2010 पेज नंबर uh, 2010 पेज नंबर 50 uh, 47 स्पोंजेस कॉरल्स एंड तीनो फोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर होते हैं इसलिए इसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं ठीक दो हजार दस पेज नंबर फोर्टी नाइन क्वाइनोसाइट आर दिक्स ऑफ स्पॉन्स विच आर एब्सेंट इन द लीच डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन राइट नेक्स्ट 2010 पेज नंबर 59 नाइन प्लेटी हैज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्लीट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट हो उसी पॉइंट से खाना अंदर आए उसी पॉइंट से खाना बाहर जाए है ना एंड माउथ सर्व एज अ कॉमन पैसेज माउथ सर्व कॉमन पैसेज इन डाइजेशन और एक्सक्रेशन माउथ एक कॉमन पाथवे होता है ठीक है ज्योति तिवारी नो सर प्लीज कुछ बच्चों की वजह से आप सेशन बंद मत कीजिएगा ये सेशन लिटरली बहुत हेल्प है हमली रिक्वेस्ट यू प्लीज कंटिन्यू ठीक है ज्योति तिवारी जी शेयर मारिए आपके व्हाट्सएप पे यही क्लास का लिंक होना चाहिए तुम्हारा फोटो नहीं होना चाहिए नेक्स्ट 2009 हजार पेज नंबर 52 टू साइक्लो ऑफ जॉलेस फिश लिविंग फिश

बुक गिल्स एंड बुक लंग्स ऑफ ट्रेकिल सिस्टम कॉडेटा आर द करेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटो कॉड ठीक है तो ये वाला मैं अभी शेयर कर देता हूं टेलीग्राम के ऊपर ठीक है एंड आई होप की दिस सेशन